अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कैसे सीजन फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं बताऊंगी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और फटाफट बन जाती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सीजन फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ने पोटैटोज लिए है, उसको हम लोग ने फ्रेंच फ्राइज की शेप में कट कर लिया है कुछ इस तरह से। फिर हम लोग ने लिया है एक ग्लास पानी, मैदा, एक कप नमक, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिर हम लोग ने लिया है कॉर्नफ्लावर, काली मिर्ची पाउडर, कुटी हुई चिली फ्लेक्स, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम लोग ने रेड चिली पाउडर लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट और चावल का आटा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे सीजन फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ये तीन आलू लिए थे, इसे धो के कट कर लिए। तो हम सबसे पहले ये आलू लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये फ्रेंच फ्राइज में हम नमक लेंगे तकरीबन एक चम्मच, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं आपको जितना चाहिए। हम इसमें नमक डालेंगे और ये इसे अच्छे से आप धो लीजिए ये आलू को। और फिर हम इसमें ये बॉइल्ड वाटर डालेंगे जो हम लोग ने गैस पे बॉईल कर दिया, और ये गरम गरम पानी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इसमें गरम बॉइल पानी डाल दिया है और इसमें नमक भी डाल दिया। अब हमें इसे 15 मिनट के लिए साइड में रख देना है। तो फ्रेंड्स, सीजन फ्रेंच फ्राइज का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम ये तीन इंग्रेडिएंट्स लेंगे। सबसे पहले हम चावल का आटा लेंगे, हम इसे एक, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ने आधा कप चावल का आटा ले लिया है और अब हम ये इसमें आधा कप मैदा डालेंगे। और फिर हम इसमें ये कॉर्नफ्लावर डालेंगे, आप कॉर्न स्टार्च भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी आधा कप, ये पूरा डालना है। और अब हमें इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेना है अच्छे से, कि ये तीनों इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे विस्क से ऐसे थोड़ा मिक्स कर लेना है कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका बैटर थोड़ा अच्छे से रेडी हो जाए। तो देखिए, हम लोग ने मिक्स कर लिया है और कुछ ऐसा इसका बना है, ये ऐसा बन गया है। और अब हम इसमें ये आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, फिर इसमें ये काली मिर्ची पाउडर डालेंगे आधा चम्मच इतना, फिर हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, मैंने पहले भी बोला कि ऑप्शनल है, ये पूरी डाल देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच। और अब हम इसको और ऐसे थोड़ा इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। इसका पहले थोड़ा इसे लम्स आएंगे, हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसमें। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़े लम्स आते हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इसमें हम इसे पानी डाल के इसके लम्स निकाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे और हमने फ्रेंच फ्राइज में भी डाला था नमक, पर इसमें भी डालना है हमें। देखिए, हमें इसे थोड़ा पतला करना है, ये बहुत ठीक है अभी,
इतना नहीं चाहिए वरना अच्छे से डिप नहीं होगी फ्रेंच फ्राइज हमारी इसमें। तो हम इसमें पानी डालेंगे, इसको पतला करेंगे। मैंने एक बड़ा कप पानी लिया है यहाँ पर। इसे बीट करना है अच्छे से विस्क से। देखिए नीचे गिर रहा है, मतलब इसका बैटर रेडी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। ये देखिए, अगर ऐसा पतला हो जाए तो उसका मतलब ये है कि हमारा बैटर रेडी हो गया। और देखिए हमारे फ्रेंच फ्राइज जो हम लोग ने पानी में रखे थे उसको भी 15 मिनट्स हो गए हैं। तो अब हम इसे ऐसा ड्रेन करके थोड़ा थोड़ा ये बैटर में डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ज़्यादा एक साथ डालेंगे ना तो नहीं हो पाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा डालना है। तो फ्रेंड्स, अब हम ये बैटर को इसमें अच्छी तरह से लगा देंगे कि इसमें अच्छे से लग जाए। देखिए कुछ इस तरह से लग जाना चाहिए पूरा। देखिए सारे फ्रेंच इसमें हमारे लग गया है ये, तो इसका मतलब हमारा फ्रेंच फ्राइज में बैटर लग के रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने पैन में ऑयल डाल दिया है। हम हमारे सीजन फ्रेंच फ्राइज को डीप फ्राई करेंगे और हम ऐसा भी इसे देख सकते हैं कि कितना गर्म हुआ है। पर अगर आपको हम एक तरीके में और भी कर सकते हैं, हम इसमें टूथपिक या कोई भी स्टिक डाल के देख सकते हैं। अगर उसमें बबल जा रहे मतलब ये अच्छे से गर्म हो गया है। ये देखिए इसमें बबल्स नहीं आ रहे, मतलब अभी ये पूरा गर्म नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा पैन, तेल का पैन अच्छे से गर्म हो गया है। हीट बहुत आ रही है, मतलब ये अच्छे से गर्म हो गया। अब हम एक एक फ्रेंच फ्राइज लेके इसका डीप फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग ने डाल दिए हैं। ये थोड़े चिपकेंगे पर हम उसे बाद में अलग सेपरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमारे सीजन फ्रेंच फ्राइज लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। बस थोड़ा सा और डार्क करना है, फिर हम इसे निकाल देंगे। पर देखिए इसे डीप फ्राई करना है। ये ऐसे चिपकेंगे पर इसका टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसे छुरी से इसे निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका पहले ऑयल निकालना है और ऐसा प्लेट में सर्व कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम बाकी सारे फ्रेंच फ्राइज भी ऐसे ही फ्राई करेंगे। गैस मीडियम है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं करना है हमें। ये चिपक जाएगा पर बाद में सेपरेट भी हो जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ऐसे करते हम बाकी सारा डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे सीजन्ड फ्रेंच फ्राइज रेडी हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे हैं, हम इसे सॉस के साथ खा सकते हैं। ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं, इसकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना। और यही मेरी रेसिपी फिनिश होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए
तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।